साथ कंचन मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। वक्त हो चला है आज के ताजा खबरों का। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली खबर गोंडा जनपद से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज भाजपा किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली का किया आयोजन। भाजपा जिलाध्यक्ष छोड़कर भाजपा बड़ा नेता और विधायक भाजपा के नहीं दिखे, जहां एक ओर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोंडा मैजापुर चीनी मिल के पास 450 करोड़ की लागत एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का किया शिलान्यास और किसानों को बताया कि उनका इससे काफी फायदा होगा। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी और भाजपा जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप, नीरज मौर्य जिला उपाध्यक्ष, भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री देव नारायण मिश्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। आवास क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री कमलेश श्रीवास्तव हरिपुर से हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र से आए सैकड़ों किसान ट्रैक्टर रैली लेकर उसमें शामिल हुए और हरिपुर से जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप खुद ट्रैक्टर चला रहे थे। उनके साथ किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी ट्रैक्टर पर बैठे थे। वहीं जिला उपाध्यक्ष भाजपा नीरज मौर्य किसान के ट्रैक्टर पर भाजपा का झंडा तिरंगा झंडा लगा हुआ था और आगे गाड़ी पर डीजे भारत माता की जय भाजपा किसान मोर्चा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सरकार की योजनाओं को गिना रहे थे। ट्रैक्टर रैली के साथ जगह जगह पुलिस की गाड़ियां चल रही थी, कहीं किसी अनहोनी न हो जाए। लखनऊ रोड शो से शहर होते हुए गांधी पार्क समापन हुआ। मंच से किसानों के लिए किए जा रहे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार किसानों के हित के लिए भाजपा कार्य कर रही है, जिसको लेकर भाजपा संगठन किसान मोर्चा ने आज हरिपुर से शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए गांधी पार्क पर ट्रैक्टर किसान रैली निकाली गई। सैकड़ों ट्रैक्टर रहे शामिल। भाजपा सरकार में विभिन्न कार्यों को गिनाया। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारी रामगोपाल साहू, किसान मोर्चा के महेंद्र तिवारी, सौरभ मंगल पाठक, नितिन मिश्रा, आदित्य पांडे, सूरज पांडे, गौरव सिंह, प्रभास सेन, संगम लाल चौहान, दिवाकर अनूप सिंह, सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए रामनारायण जायसवाल की रिपोर्ट गोंडा से। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का अध्यक्ष हूँ और ये पेवर संगठन की रैली थी, इसमें किसी और संगठन का कोई योगदान नहीं था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय अमर किशोर कश्यप जी और किसान मोर्चे द्वारा ये रैली आयोजित की गई थी। ये जन जागरण की रैली थी। इसके माध्यम से हमने मोदी जी और योगी जी ने जो किसानों के लिए किया है, जो भी इतनी योजनाएं वो लाए हैं, उसके बारे में प्रचार करना था, लोगों के बीच में जाना था, उसी के उपलक्ष्य में ये रैली थी। कहाँ से रैली निकाली गई? ये रैली हरिपुर से निकाल करके और जय नारायण चौराहे तक जा करके और गांधी पार्क में इसका समापन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री जी थे। चाहे इस कार्यक्रम में क्या कोई विधायक स्थानीय या भाजपा के? कार्यक्रम बहुत लगे हुए थे, माननीय विधायक लोग, करनैलगंज में कुछ कार्यक्रम चल रहा था, संगठन के कई कार्यक्रम चल रहे हैं, विभिन्न मोर्चों को विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम मिले हैं और सभी मोर्चे और भारतीय जनता पार्टी का संगठन अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त था। हमारे माननीय विधायक और माननीय सांसद, अभी खेल का आयोजन चल रहा है, सांसद खेल का, उस आयोजन में जुटे हुए थे, इस कारण इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। किसान के महत्व के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चे का अध्यक्ष बना रखा है। एक विंग है किसानों के लिए। अगर किसान का महत्व भारतीय जनता पार्टी में ना होता तो किसान मोर्चे का मतलब क्या है? किसान मोर्चा सबसे बढ़ चढ़ के सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा अगर है तो किसान मोर्चा है। और किसान मोर्चा पूरे ही तन्मयता के साथ, पूरी ताकत के साथ, आज सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ये रैली हम लोगों ने निकाली है और नगर में जन जागरण करने का काम किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।